साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, बहुत बड़ी समस्या हम लोग के परिवार और समाज की महिलाओं के बीच आती है कि हमारे परिवार की महिलाएं, समाज की महिलाएं कॉस्मेटिक का आजकल बेतहाशा इस्तेमाल करती हैं और उससे अपनी स्किन को ख़राब कर देती हैं, लेकिन उनको एहसास तब होता है जब स्किन खराब हो चुकी होती है, त्वचा खराब हो चुकी होती है। ऐसा ये मकरजाल है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का कि आप और हम इससे बच नहीं पाते हैं। और मुझे तो अपने ऊपर ऐसा तजुर्बा हो चुका है साथियों कि मैं हमेशा इसको बताता हूँ। एक बार मैं मॉल गया, मॉल में एक बहुत बड़े विदेशी काउंटर लगा था कॉस्मेटिक का, बड़ी अच्छी अच्छी लाइटें लगी हुई थी। वहाँ पर मैं पहुँच गया और वहाँ पे स्कीम चल रही थी, छूट चल रही थी, तो लालच में आके मैंने एक क्रीम ले ली, वो फिलर की कोई क्रीम थी, और एक जो है हमने मॉइस्चराइजर ले लिया। दोनों चीज़ मिला के मेरी 6,500-6,700 में आई थी, तो और महंगी, लेकिन वो 6,500-6,700 में पड़ी। मैं बड़ा खुश हो गया, मैं उसको घर लाया, मैंने कहा ये तो जादू करेगा। तो साहब बड़ा खुशी से, फिर जब मैं कहीं जाने लगा, मैं बढ़िया सेव वेव करके उस क्रीमों को लगाया, जैसा उसने बताया था महिला ने जो काउंटर पर बैठी थी, कि पहले जो है वो आप फिलर लगाइए थोड़ा सा, और फिलर लगाने के बाद फिर एक ऊपर से मॉइस्चराइजर लगाइए तो गोल्डन लुक आ जाएगा। मैं खुशी खुशी उसको लगाने लगा, और साहब मैं आपको बताऊं, लगाने के 2-3 मिनट के अंदर मेरे स्किन पे ऐसी जलन हुई है, ऐसी बर्निंग हुई है, स्किन लाल हो गई, उस पर उभर आया चकत्ता। तो मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया। तो मुझे एहसास हुआ कि कॉस्मेटिक कितने घातक होते हैं। वो परेशानी मुझे एक हफ्ता रही, मेरी स्किन छरछराती रही, जलती रही, बर्निंग होती रही, रेडनेस रही। तो मैं ये सोचता हूं कि जब महिलाएं पूरे जीवन काल में उसको 30-35-40 साल तक लगाती रहती हैं, तो उनकी स्किन का इस तरह की चीज़ों से क्या होता होगा। हो सकता है आपको एहसास ना हो, लेकिन आपकी स्किन खराब रही होगी, और यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी स्किन खराब कर चुके हैं। आप चिंता ना करें, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक साथ है, और इसी श्रृंखला में हम आपको बताते हैं एक ऐसी दवा जो आपकी स्किन का जो बैड इफेक्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स आया है, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स जो आपके चेहरे पे लगा के आज आपका चेहरा जो है वो खुद आप आईने में नहीं ध्यान से देख पा रही हैं, तो एक दवा होम्योपैथी में आती है बोविस्टा। आप बोविस्टा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह आपके जितने भी कॉस्मेटिक के दुष्प्रभाव हैं उनको ख़त्म करके आपके चेहरे को जो हार्म पहुँचाए, आपके फेस को जो स्किन को जो टिश्यू को नुकसान पहुँचाए, वह सब हील करके आपको 90% तक पहले की तरह, जब आप कॉस्मेटिक नहीं लगाती होंगी, उस तरह की स्किन कर देगी और कॉस्मेटिक के बैड इफेक्ट्स को खत्म कर देगी। आप लोग ये नुस्खा कीजिए, किसी कुशल चिकित्सक से दवा को प्रिस्क्राइब करा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस नुस्खे को कीजिए, इस दवा को कीजिए, अद्भुत दवा है ये, और आप कॉस्मेटिक के दुष्प्रभाव से बचिए इस दवा के माध्यम से, और आगे से कसम खा लीजिए, प्रण ले लीजिए कि आपको कॉस्मेटिक नहीं लगाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक लिपस्टिक चलती है, लिपस्टिक थोड़ा सा, अब मुझे तो निजी तौर पे अच्छा लगता है लोग लिपस्टिक लगी, लेकिन आपकी अपनी इच्छा है, तो आप जो है वो लिप ग्लॉस या लिपस्टिक का इस्तेमाल करें, ज़्यादा ना इनमें पड़ें। आप इस नुस्खे को करें साथियों, कमेंट पोर्शन में लिखें आपको कैसा लगा, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो हमारे YouTube नोटिफिकेशन या WhatsApp नंबर पर अपनी क्वेरी लिख दें, प्रयास करेंगे आपका बात का संतोषजनक जवाब दे पाएं। आपसे निवेदन है, वीडियो बनने में मेहनत लगती है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, समाज के लाभ के लिए लगे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने, बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को सबसे पहले हमारे वीडियो सबसे नए तरह से प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों, हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।